मुझे पता है बहुत देर हो चुका है, मैंने कहा था कि पिछले मंथ में मैंने कहा था कि चैप्टर जब 6 करेंगे उसके बीच बीच में मैं ब्रेन टीजर ऑफ चैप्टर 5 में डालते रहूँगा, नहीं हो पाया। बहुत सारे बच्चे का एग्ज़ाम भी हो चुका है, शायद थोड़ा तो प्रॉब्लम फेस करे होंगे। तो देखो अभी तो मिड टर्म भी बाकी है, एनुअल भी बाकी है, तो ये तुम लोगों को तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो चैप्टर जो 7 चल रहा है मैं तो उसको डालते रहूँगा, और उसी दिन में मैं इसका भी एक एक दो दो वीडियो, मतलब शाम लेके मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊँगा, उसको मैं डालते रहूँगा। ओके, सो आई होप, देखो तुम लोगों के रिक्वेस्ट के लिए मैं फिर से मैं ये एक्स्ट्रा काम मुझे करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और लाइक कॉमेंट और शेयर भी करना। तो चलो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कहा गया कि राहुल सोल्ड अ वॉच टू सोहन एट ए गेन ऑफ 10%। तो देखो मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर शाम को करने वाला हूं। राहुल, सोहन और कौन है, मोहन, ये तीनों लड़के हैं। अब देखो इसने क्या करा कि इसमें कुछ कहा गया है ना, हमें राहुल का एक जो है ना प्राइस, मतलब राहुल का जो कॉस्ट प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। अब बताओ राहुल ने क्या करा, सेल करा किसको, सोहन को, है ना। राहुल ने क्या करा, सोहन को सेल करा, अब कितने प्रॉफिट में, एट गेन 10%। तो मतलब यहाँ पे 10% प्रॉफिट में राहुल ने सोहन को बेच दिया कुछ चीज़, क्या था, वॉच, एक वॉच था। अब एंड सोहन सोल्ड इट टू मोहन एट ए लॉस ऑफ 10%। अब इसने क्या करा, इसको सेल करा बट लॉस ऑफ 10%, मतलब -10, यहाँ पे +10, प्रॉफिट मतलब +10 और लॉस मतलब -10। आप बोलो इफ मोहन पेड ₹990, सो मोहन पेड, मतलब मोहन का कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब जो वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या है मोहन के लिए, ₹990। मोहन ने किसको पे करा, इसको, सोहन को। तो सोहन का सीपी तो हमें पता नहीं है, लेकिन सोहन का एसपी क्या है, ₹990 है ना एकदम। तो अब सोहन का तुम्हें एसपी पता चल गया, तो सीपी कैसे फाइंड आउट करोगे, और लॉस क्या हुआ है, 10% लॉस। तो सोहन के लिए याद है सीपी इक्वल्स टू, मैंने कहा था ना जो फाइंड आउट करना है उसका वैल्यू ऊपर रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, यह है इनटू एसपी जो फॉर्मूला है। अब कोई कोई बच्चे कह सकता है कि सर मैं कंसेप्ट को यूज करके करते हुए हम करेंगे, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला को यूज करते हुए अगर तुम्हें करना है तो यहाँ पे एसपी लिखना है, और देखो जो एसपी मतलब क्या, लॉस हुआ है तो 100 होता ना सीपी, तो सीपी अगर 100 होता तो सीपी के ऊपर लिखो, और यहाँ पे 100 - 10, तो 100/90 इनटू एसपी क्या है, ₹990, 00 कैंसिल 11, दैट मीन सीपी ऑफ सोहन इज व्हाट, ₹1100। अब देखो ये क्या है, ये सोहन का सीपी है, अब इसने क्या कह रहा है, 10% में प्रॉफिट में बेचा है, जो सोहन का सीपी है वही क्या है, राहुल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, तो ये यहाँ पे 1100 लिखोगे। आप बताओ 10% प्रॉफिट में बेचा है मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो फिर से वही फार्मूला, सीपी मतलब ये फार्मूला 100, अब प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10 इनटू एसपी। अब हाँ एक बात कहने बच्चों, इसको तो मैं फार्मूला लिख के कर रहा हूँ, अब इसके बाद में जो करने वाला हूँ वो फॉर्मूला नहीं करके, मतलब एक स्टेक करके कंसेप्चुअली सॉल्व कराऊंगा, जो मेथड तुम्हें अच्छा लगेगा वो फॉलो करना, ओके। तो बाय 110 इंटू, अब एसपी क्या है, 1100, तो देखो 00 कैंसिल होगा, 11 10, सो 1000। तो राहुल का जो सीपी है वो क्या है, मतलब राहुल ने वॉच को कितने रुपीज में खरीदे थे, ₹1000 में, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट के थ्रू, चलो देखते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है कि मोहन ने सोहन से जो खरीदा वॉच वो है 990 रुपीज में, ठीक है ना, खरीदा है। अब 10% क्या है, लॉस करके सोहन ने मोहन को बेचा है, तो सोचो कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है एक्स, सोचो। तो बोलो
उसका जो सेलिंग प्राइस होगा उसके पहले भी बोलो लॉस करा है, मतलब लॉस परसेंटेज, लॉस क्या है बोलो, लॉस क्या होगा, 10% लॉस हुआ है मतलब x के ऊपर, सो 10/100 इंटू x, अब x बाय 10, ये जो है ना ये किसका लॉस है, सोहन का, मतलब इतने लॉस में उसने बेचा है, आप मतलब सोहन का एसपी क्या होगा, x माइनस 10, मतलब ये लॉस हुआ है सोहन का, तो लॉस ये हुआ है मतलब इतने उस, मतलब सोहन ने जितने रुपीस में ये खरीदे थे इतना कम रुपीस में इसको बेचा है, तो कम मतलब माइनस करोगे तो तुम्हें एसपी मिल जाएगा, वही क्या है मोहन का सीपी है, तो यहाँ पे 10x मतलब 9x बाय 10 आएगा कैलकुलेट करोगे तो, ओके यहाँ पे एलसीएम करोगे 10 आएगा, फिर 10x माइनस x 9x बाय 10, अब ये क्या है 990 रुपीस, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखोगे, 9x बाय 10 इक्वल्स टू 990 रुपीस, अब x क्या होगा याद है तुम लोगों को, याद है यहाँ पे मैंने कहा था ना ये 9 बाई 10 को अगर इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, मतलब 10 बाई 9, 9 11 99, सो 0, सो 1100, आ रहा है देखो सेम, तो सोहन का सीपी क्या बन गया 1100 रुपीज, तो सीपी ऑफ सोहन इज व्हाट 1100 रुपीज, ये वाला हो गया मेरा पार्ट, अब हमें क्या करना है राहुल का सीपी फाइंड आउट करना है, मतलब राहुल का जो राहुल ने जो वॉच खरीदा है वो फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीपी फॉर राहुल, ओके तो अब बताओ ये जो होगा सोहन का जो सीपी होगा वो ही राहुल का क्या है एसपी है या नहीं, एकदम है, अब तुम्हें क्या करना है इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, अब कॉस्ट प्राइस क्या है मुझे पता नहीं, तो वाई मान लो एक्स मत चूज करो क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक्स चूज करके करा था, तो यहाँ पे और एक अलग सा वेरिएबल चूज कर लो, ओके तो वो है वाई रुपीज वाई, अब 10% प्रॉफिट में बेचा है तो प्रॉफिट क्या होगा 10% प्रॉफिट मतलब 10% प्रॉफिट मतलब 10/100 इंटू वाई, 00 कैंसिल मतलब y बाय 10, ये रुपीस है जो ये जो है ये राहुल का प्रॉफिट हुआ था, अब ये प्रॉफिट है मतलब ये सीपी एंड प्रॉफिट को ऐड करोगे तो तुम्हें एसपी मिल जाएगा ना, तो आप बताओ एसपी क्या होगा, एसपी तो y के रिस्पेक्ट में हमें करना है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी जो है वो है y प्लस y बाय 10, अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या आएगा 10 मतलब 10y प्लस y बाय 10 दैट मीन्स 11y बाय 10, अब ये क्या हो गया बोलो 11y बाय 10 क्या है, ये जो है ये sp है और यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें sp पता है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर पाओगे ना, तो मैंने इसका जो पार्ट है ना ये यहाँ पे कर देता हूँ, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखोगे इसका ये जो वैल्यू 11y बाय 10 इक्वल्स टू 1100 रुपीज, अब फिर से वही मेथड अप्लाई करने वाला हूं, 10 11 बाई 10 है तो इसको इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 1100 इंटू 10/11 तो कैंसिल होगा तो 100 और 10 मतलब 1000, तो ये है आंसर, सो देयरफॉर क्या बताया गया यहां पे कि फाइंड द प्राइस ऑफ प्राइस पेड बाय राहुल, therefore the price paid by Rahul is rupees 1000, okay so guys मैंने कहा था ना कि मैं ठीक से explain करने वाला हूँ जो word problem है, मतलब एक ही class में एक ही sum, ठीक से समझ लो इसको, I think अब तुम लोगों का doubt clear हो चुका है, मैंने दोनों method में ही इसको करा है, जो तुम्हें अच्छे लगे वो उसको फॉलो करो, सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू योर चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल बिकॉज इट इज योर्स आफ्टर ऑल, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।